हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, संस्कार। मैं हूँ आमरीन, आमरीन कैचन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और अभी हो रही है दोपहर। मैंने अभी एक वीडियो की एंडिंग ली है एंड मैंने सोचा मैं अभी से स्टार्ट कर देती हूँ अपना ये नया ब्लॉग। क्या पता मैं ना बना पाऊँ कल, तो इसके से मैं मतलब जब मुझे टाइम मिलता तो मैं बना लेती हूँ। एंड मैं करने जा रही हूँ अपना लंच। एंड बहुत ही प्यारा मैं बहुत ही अच्छा से लंच लेकर आई हूँ। वो मछली उपमा जो कि मेरा फेवरेट एंड हेल्दी भी है, उसमें मैंने सोया चंक्स डाला है। और चलिए चलते दिखाती हूँ आपको। बस लेके बैठ गई हूँ मैं खाना खाने। एंड मैं टीवी चला के खाना खाती हूँ क्योंकि बड़े सुकून से, इत्मीनान से, कोई था नहीं ना, तो मैं इस टाइम पे बिग बॉस देख रही थी। आप मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग का कौन सा फेवरेट है, किसको आप ट्रॉफी जीतना देखते हो, देखना चाहते हो कि वो ट्रॉफी लेकर जाए। मेरा तो विशाल एंड शिवानी दोनों, ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब देखना है कौन होता है। एंड मैं बड़े ध्यान से देख रही थी और बड़े इत्मीनान से बैठ के मैं बिग बॉस देख रही थी। आपको दिखाती हूँ मैं क्या देख रही थी। और ये देखो बिग बॉस एंड नेजी और विशाल, इन लोग खाना बना रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था यार कि लड़की भी बड़ी अच्छे से कुकिंग कर रहे थे और एकदम वेल ट्रेंड होके जाएंगे। और मैं बस खाना खा रही थी एंड बड़ा हेल्दी खाना लेकर आई थी आज मैं। कभी कभी खा लेती हूँ, मैं प्रॉपर डाइट कर ही नहीं पाती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं प्रॉपर डाइट करूँ करूँ पर मुझसे हो ही नहीं पाती है। कभी कभी खा लेती हूँ एंड जब मौका मिलता है तो अनहेल्दी भी खा लेती हूँ। बस खाना खाया, खाना खाने के बाद में मिलते हैं आप लोगों से। मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने दोपहर के बाद से कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं बिजी हो गई थी। एंड अब मैं जा रही हूँ अपने फेवरेट बिरयानी शॉप इटॉन। जो इटॉन इज़ बैक गाइस, इटॉन वापस आ गया है। एंड मैं इलाहाबाद में इटॉन के अलावा पहले कहीं भी नहीं गई थी। अब तो मैं हर जगह घूमने जाती हूँ, पहले कहीं भी इटॉन के अलावा नहीं गई थी। तो मुझे इटॉन की वापसी होने की बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि वहाँ का जो टेस्ट है वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। अब देखते हैं वहाँ का टेस्ट पहले जैसा है या चेंज हो गया। चलिए चलते हैं जल्दी से वहाँ और फिर मिलते हैं आपको वहाँ पहुँच के। ये देखो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी। दोपहर में तो कुछ बनाया नहीं, खाना खाने के बाद में फिर अब निकल गए हैं यहाँ से अपने फेवरेट बिरयानी शॉप जाने के लिए। इटॉन जो कि सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एंड मैं जब से इलाहाबाद में आई हूँ तो मैं इटॉन के अलावा कहीं भी बिरयानी नहीं खाया था। इसकी वजह से मुझे, मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अपने पहले वाली जगह पर खुल गई है, पैराडाइज, सिविल लाइन्स पैराडाइज के जस्ट बराबर में। और आप देख सकते हो, ये देखो, ये पैराडाइज है और इसके बराबर में ये खुल गई है। एंड इतना ज़्यादा रश है ना, इतना ज़्यादा रश है, मतलब जो हमारे बंदे हैं ना, तो वो बहुत बहुत मिस कर रहे थे इटॉन को। जैसे ही ओपन हुआ बस भीड़ लग गई। और मैंने भी ले लिया है बिरयानी एंड भाई ने ले लिया है कबाब पराठा। जो कि कबाब पराठा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना क्योंकि वो मटन का है और बिरयानी चिकन की है, तो मुझे सिर्फ राइस राइस खाना था। और मतलब इतनी ज़्यादा रश थी और मुझे यहाँ पे ये अच्छा नहीं लगा कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, कहीं भी खड़े होके खाने की जगह नहीं है, आराम से इत्मीनान से खाने की जगह नहीं है। भीड़ भड़के से निकल के किसी तरह आ गए बाहर, और बाहर भी खाने के लिए वो मना कर रहे थे, पर मैंने कहा कि मैं नहीं खा सकती हूँ अंदर क्योंकि अंदर इतने ज़्यादा बॉयज़ भरे हुए हैं, और मैंने नहीं खाया। एंड फिर जब एक दो चम बाइट खाया ना, तो वही इनका पहले वाला स्वाद है, मतलब पहले पहले वाला टेस्ट। इतनी ज़्यादा यमी बिरयानी थी, मुझे मतलब इनकी वाली ये जो टेस्ट था ना बिरयानी का, मैं इसको मिस कर रही थी। एंड बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत ज़्यादा, जैसे पहले थी ना सेम वही टेस्ट थी। मैंने सिर्फ चावल चावल दो तीन बाइट खाया, उसके बाद में मेरा मन नहीं हो रहा था खाने का। पता नहीं क्या हो गया कि मैं सिर्फ चिकन खाती थी, एग और कोई भी चीज़ नहीं खाती थी। पर अब तो मेरे साथ ऐसा हो गया कि मुझे चिकन खाने में भी अजीब सा होने लगा। तो मैं चिकन तो सिर्फ खाई नहीं, सिर्फ राइस राइस खाई थी, पर उसमें मुझे अजीब सा लग रहा था। तो पर भाई ने मेरे खाया, खा पी के हम लोग निकल गए हैं कामधेनु। कामधेनु पर से खाते हैं राज कचौड़ी, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा मतलब मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एंड आपकी कहाँ की कचौड़ी, राज कचौड़ी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे कमेंट बताना। यहाँ की चाट या राज कचौड़ी, मेरी सारी चीज़ बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। भैया बनाना स्टार्ट कर दिए, बहुत ज़्यादा अच्छे साफ सफाई से बनाते हैं। आप देख सकते हो जब ग्लव्स लगा के एंड बड़े अच्छे से वो बना रहे थे। और थोड़ी देर में बस देखते देखते हमारी राज कचौड़ी जो है वो बन के रेडी हो गई है, और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी गाइस। अभी आपको दिखाते हैं जब बन जाती है तब।
फाइनली हमारी राज कचौड़ी जो है वो बन के रेडी हो गई है और बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है ना, कितनी बड़ी सी है, इतनी सारी है, उसको मैं खाऊंगी कैसे, पर दोनों लोग खाएंगे ना, हम और मेरा भाई। और मैं आ गई हूँ, मेरी खुशी देख रहे हो, और मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा मन से पसंद होती है ना वो मिल जाती है अचानक से, तो बड़ा मज़ा आता है। बस मैंने इसको खाया, राज कचौड़ी को एंजॉय किया, और देख सकते हो यहाँ पे जो रश थी ना, ये रश अच्छी लगती है, और वहाँ वाली रश ना बहुत ज़्यादा बॉयज़ बॉयज़ भरे हुए थे, तो वो कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि वो टॉन्ट मारना और वो अजीब वाली फीलिंग्स आती है। यहाँ बड़ा अच्छे से मज़े से मैंने राज कचौड़ी खाया, खा के बस अब निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि हो रही है बहुत ज़्यादा लेट। एंड आई होप हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ की राज कचौड़ी ज़्यादा पसंद है, और मुझे तो कामधेनु पर की, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय।